आइए आज हम लोग एक्सेल में स्कूल रिजल्ट बनाना सीखते हैं। स्कूल रिजल्ट में होता क्या है कि स्कूल में के बच्चों के नाम होते हैं, उसके सब्जेक्ट्स के मार्क होते हैं, उनका टोटल होता है, उनका मिनिमम निकलता है कि उन्होंने कितना किस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर लाए हैं, जिसमें मैक्सिमम होता है जिसमें कि वो मैक्सिमम पता लगता है कि किस सब्जेक्ट में सबसे अधिक नंबर लाए हैं। उसके बाद स्कूल का रिजल्ट होता है, यहाँ पे परसेंटेज होता है, परसेंटेज यहाँ पे हम निशान डाल देते हैं प्लस रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ पे कुछ बच्चों के नाम हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ बच्चों के नाम हैं, उनके कुछ सब्जेक्ट्स के नंबर हैं। अब मैं इनका टोटल निकालता हूँ। टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक तरीका तो ये है कि ऑटो सम पे हम क्लिक करें, यहाँ ऑटो सम पे हम क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, निकल गया। ये इस दीपक का टोटल मार्क्स है 322। दूसरा फॉर्मूला इक्वल टू एस यू एम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और क्राइटेरिया हम यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट हो और इसको ब्रैकेट को हम बंद कर दें, एंटर। दो तरीका हो गया, और हम यहाँ कंट्रोल डी करके भी लेके आ सकते हैं। कंट्रोल डी ऊपर से डुप्लीकेट होता हुआ आ जाएगा। यहाँ मैक्सिमम का लगाते हैं इक्वल टू एम सॉरी मिनिमम का एम आई एन ब्रैकेट ओपन, और आप देख रहे हैं कि क्राइटेरिया यहाँ पे हमारा C3 colon G3 और ब्रैकेट बंद, एंटर। आप देखें कि ये मिनिमम नंबर है जो दीपक का इंग्लिश का है 45 नंबर्स। इसको हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और कंट्रोल डी करते हैं, ऑटोमेटिक सारा का सारा निकल के आ गया। सेम ऐसे ही मैक्सिमम का निकालते हैं इक्वल टू एम ए एक्स मैक्स ब्रैकेट ओपन C3 colon G3 और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, एंटर। आप देखिए मैक्सिमम मार्क्स निकल गए। सेम ऐसे इसको सिलेक्ट किया यहाँ से यहाँ पर और कंट्रोल डी, ये भी आपका निकल के आ गया। आप देख पा रहे हैं आप। अब इसके परसेंटेज निकालना हो तो इसको इक्वल टू ऑप्टेन मार्क, कितना इन्होंने प्राप्त किया, ये प्राप्त किया, फिर गुणे का निशान लगा, सॉरी ये प्राप्त किया बटे फाइव सब्जेक्ट्स हैं, 100 में प्रत्येक सब्जेक्ट का 100 मैक्सिमम फुल मार्क्स 100 है, तो यहाँ पे 100 आएगा, 100 इंटू 500 आए हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, 500 इंटू 100 यानी कि ऑप्टेन मार्क में फुल मार्क इंटू 100। अब एंटर करेंगे, ये आपका परसेंटेज का आ गया 64%। यहां से हम कंट्रोल डी करते हैं, ऑटोमेटिक सारा निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि रिजल्ट हम निकालेंगे। पहले इतने को हम ये यहां से इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको बॉर्डर यहां से ऐसे दे देते हैं। इसे हम बॉर्डर देने के लिए सिलेक्ट किया और यहां से हम इसको ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा ऐसे हो रहा है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ लेके आते हैं और यहाँ मर्ज सेल पे दोबारा से ऐसे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक के सेंटर में आ गए और यहाँ क्लिक करके ऑल सेंटर कर लेते हैं, ये सारा सेंटर में आ गया और इसे हम सेव भी कर लेते हैं ताकि इन फ्यूचर आगे हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं। रिजल्ट एंटर, ओके। तो ये हमारा रिजल्ट का